जैसे ही फरवरी महीना आता है, फरवरी मार्च महीना जैसे ही आता है तो एग्जामिनेशन की सीजन शुरू हो जाती है। पहले 12वीं के एग्जाम आते हैं, फिर 10वीं के एग्जाम आते हैं, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आते हैं, उसके साथ कई प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। तो ये माना जाए कि फरवरी से लेकर जून तक ये एक एग्जामिनेशन सीजन है जहाँ पे बच्चे लोगों की परीक्षाएं होती है। अब ऐसा होता है कि जैसे ही ये एग्जामिनेशन सीजन आती है बच्चे लोग काफ़ी टेंस हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको बहुत टेंशन आता है कि कैसे होगा, एग्जाम कैसे दूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्या मैं पेपर ठीक तरह से कर पाऊंगा, क्या मेरी सारी स्टडी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है अननेसेसरी टेंशन में आते हैं। अब जब बच्चे टेंशन में आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे टेंशनों को और आखिरी मोमेंट पे बच्चे लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और कई सवाल उठा करके हम आज यहाँ पे स्टूडियो के अंदर बुलाया है मिस्टर कृष्णमूर्ति को, जो कि एचआर ट्रेनर भी है। पिछले 15-16 वर्षों से लेके वो कई बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज उन्हीं से मार्गदर्शन लेने के लिए और हमारे जो कोणार्क न्यूज के देखने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको गाइडेंस और मार्गदर्शन करने के लिए उनको बुलाया है। तो आइए उनसे ही बात करते हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति सर जी, लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे लोगों को बहुत एंग्जाइटी होती है, फियर होता है कि अभी हमारा एग्जाम है, हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन हमारा कैसे होगा, किस प्रकार से हमारी पढ़ाई होगी, तो उनको आप क्या टिप दोगे, क्या बताओगे उनको? नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कुमार टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने एक राइट मोमेंट पे इस टाइप का एक प्रोग्राम इंटरव्यू सेशन अरेंज किया है। मैं मानता हूँ आपने जो बोला कि हकीकत है कि लास्ट मोमेंट पे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है तो पेरेंट्स ही नहीं स्टूडेंट्स भी एकदम स्ट्रेस लेवल उनका जो है हाई हो जाता है। पेरेंट्स इसके लिए स्ट्रेस लेवल में जाते हैं कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस बहुत होता है बच्चों से कि मेरा बच्चा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोरिंग करे, अच्छा मार्क्स से पास होए, तो वो मुद्दा को लेके वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। प्लस स्टूडेंट्स साल भर का जो तैयारी करते हैं उनका जो सिलेबस होता है, पोर्शन होता है, कुछ सब्जेक्ट टफ होता है, कुछ सब्जेक्ट ईजी होता है, तो ये सब पढ़ के प्लस जो आउटसाइड का जो माहौल है, कॉम्पिटिशन है, ये सब माहौल को अगर हम लोग मद्देनजर रखेंगे तो स्टूडेंट्स का भी स्ट्रेस लेवल लास्ट मोमेंट पे एग्जाम जैसे नजदीक आता है ये काफ़ी हाई हो जाता है। इसके रिलेटेड मैं कुछ एडवाइस बच्चों को देना चाहूँगा। तो सबसे पहला ये होगा कि स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करना है कि एग्ज़ाम जो है ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ना कि प्रॉब्लम। मेजोरिटी बच्चे स्ट्रेस में जाने का कारण ये होता है कि एग्जाम जैसा आता है उनको ये लगता है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना है। जैसे हम लोग आज इंडस्ट्री में देखते हैं जब बच्चे इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो उनको इंटरव्यू ऐसा लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि वो एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसी तरीके से एग्जाम्स भी बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्हें ये रियलाइज करना है कि ये एक स्टेपिंग स्टेप है, ना कि प्रॉब्लम है। ये अगर वो रियलाइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में पढ़ पाएंगे। दूसरा, बच्चों को ये रियलाइज होना चाहिए कि ये एक खाली हर्डल है जो उनको जंप करके क्रॉस करना है ताकि वो अपने करियर में उनका जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ तक उन्हें पहुँचना है और उसके लिए ये एक स्टेपिंग स्टेप है, वो मेरा उनको एडवाइस रहेगा। दूसरा, बच्चों को ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे अगर ये रियलाइज करेंगे और पेरेंट्स अगर इनका साथ देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा तू जो पढ़ रहा है ये क्यों पढ़ रहा है, आगे में फ्यूचर में क्या बनने वाला हो, क्या करने वाले हो, वो एंगल से अगर बच्चा अगर पढ़ाई पे ध्यान देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा एग्जाम से डरेगा या उनको कुछ स्ट्रेस फील होगा। अच्छा, दूसरी एक समस्या आती है स्टूडेंट्स को कि जब ये एग्जामिनेशन आते हैं नज़दीक तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उन्हें सबसे बड़ी समस्या आती है कॉन्सेंट्रेशन की। उन्हें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते उनका ख्याल किसी और तरफ चला जाएगा और कई डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, तो उस हालत में आप बच्चों को क्या गाइड करोगे, क्या एडवाइस दोगे? अगर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने बताया कि मैंने आज 25,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने मेरे सेशन अटेंड किया है, काफ़ी जगह पे मुझे ये कॉमन क्वेश्चन आया कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अलग अलग रीज़न है, कारण है जिसके वजह से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है।
हाउ टू अवॉइड, इसको कैसे आप अवॉइड करें। सबसे पहला मेरा तो ये आपको बच्चों को एडवाइस होगा कि 100% कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर पाता 100% कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो, आपके स्टडीज में फोकस्ड हो, आपका प्रायोरिटी जो है कि अभी एग्जाम है, एग्जाम में आपका प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई, इसको अगर आप प्रायोरिटी देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लूज कर पाओगे। दूसरा एक बड़ा कारण होता है जहां बच्चे कॉन्सेंट्रेशन लूज करते हैं, वो है कि पढ़ाई करते वक्त हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट्स आता है और ये थॉट्स हम क्या करते हैं, उसके साथ हम चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि थॉट्स को कोई नहीं रोक सकता है, थॉट्स आएगा ही आएगा, लेकिन सजेशन ये है कि वो थॉट्स को पकड़ के आप आगे नहीं जाओ। अगर ये अगर आप सक्सेसफुली कर पाते हो तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली 80-90% काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अनदर, कंट्रोल योर मूड्स, आपके मूड को कंट्रोल में रखो। काफी बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि मूडी होते, इमोशनल होते, जिसके वजह से कुछ भी छोटा मोटा यहां वहां कुछ हो जाता है, उससे उसका ध्यान वहां चला जाता है और वो अपना पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेशन लूज कर लेते हैं। अनदर पॉइंट है कि हैबिट्स, कुछ बच्चे ऐसे कि वो अपने हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते हैं या फिर वो एडिक्टेड है वो पर्टिकुलर सर्टेन हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के यंगस्टर्स बहुत एडिक्ट हो चुके हैं रिलेटेड टू मोबाइल, मोबाइल पे एसएमएसेस, व्हाट्सएप बोलो, फोन कॉल्स बोलो, तो ये जो गैजेट्स है जो ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। मेरा सजेशन होगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट तक अगर आप ये गैजेट्स को अगर बंद रखोगे तो काफी होगा। शायद मेरा ये मानना है कि अभी अगर ये गैजेट बंद रखोगे तो कल को आप कुछ साल के बाद खुद एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे जहां पे बहुत कॉस्टली और बड़ा गैजेट लेने के भी पोजीशन पे आ सकोगे। दूसरा मेरा आपसे बोलना है कि जो कंप्यूटर पे एडिक्टेड है या मोबाइल पे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ये सब चीजों को आप अवॉइड करो एग्जामिनेशन टाइम पे। ये सब कारण होता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन हम लूज कर पाते हैं। कुछ सजेशन ऐसा होगा कि अगर आप में से बच्चों ने अगर योगा सीखा होगा तो योगा, रिलैक्सेशन, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप आपका माइंड को कूल रख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका माइंड कूल रहेगा तो डेफिनेटली आप ज्यादा फोकस रहोगे और जितना फोकस रहोगे आपका पढ़ाई में उतना कॉन्सेंट्रेशन होगा। ऐसा होता है कि जब भी स्टडी के टाइम आता है, एग्जामिनेशंस के दिन आते हैं, तो कई बच्चे दिन भर बैठ के पढ़ते हैं। तो नॉर्मली बच्चे लोगों को कितने समय तक पढ़ना चाहिए, कितना समय पढ़ने के बाद थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए, किस प्रकार से उनको स्टडी करनी चाहिए, थोड़ी सी उसके ऊपर भी अगर आप रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे इस समय में, एग्जाम के समय में लॉन्ग आवर स्टडी, मैराथन स्टडीज जिसको हम बोलते हैं, मैराथन स्टडीज करते हैं। तो मेरा यहाँ पे अभी आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा कि आप एग्जामिनेशन टाइम्स में कैसे पढ़ाई करें। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि बी फोकस्ड, दूसरा प्रायोरिटी, ये आपको इंपॉर्टेंस रख के चलना है। दूसरी बात है, पढ़ाई करते वक्त सिनेमा, प्ले, टाइम पास, फ्रेंड्स, ये सब चीज के बारे में नहीं सोचो। अगर आप ये सब चीजों के बारे में सोचोगे तो शायद अगेन आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है। पढ़ाई करते वक्त आपको यह देखना है कि दिन में, एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो, पढ़ाई क्या करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को पूरा दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो पढ़ाई करने का जो क्षमता है, जो एनर्जी लेवल है, ये डाउन जाता है, जिससे आप ज्यादा फोकस नहीं रह पाओगे। तो मेरा सजेशन है एक अच्छा टेम्पो मेंटेन करने के लिए आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब मैं बोलता हूं कि दिन में 2-3 सब्जेक्ट, आप क्या कीजिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थियोरी सब्जेक्ट, एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट, ऐसा आप कॉम्बिनेशन करके अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक टेम्पो भी अच्छा मेंटेन रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैराथन स्टडी जो बच्चे करते हैं, 3-4 घंटा पढ़ाई करते हैं, मेरा आपसे सजेशन होगा कि आपका जो स्टडी स्लॉट होता है ये 90 मिनट का होना चाहिए, 90 मिनट्स का एक स्टडी स्लॉट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा पढ़ाई करते हैं या एक लेसन पढ़ाई करके बुक बंद करते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप ऐसा नहीं करके, मेरा सजेशन होगा कि आप 90 मिनट्स, क्योंकि हमारा जो बॉडी एनर्जी लेवल होता है उसको हमको पकड़ के पढ़ाई करेंगे तो हमारा पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बोलना है कि 90 मिनट का पढ़ाई एक स्लॉट का बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप 80 मिनट कंटिन्यूस पढ़ाई करो। इस 80 मिनट में आपको कहीं भी उठ के नहीं जाना है, पानी पीने के लिए नहीं उठना है,
कुछ भी ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूस 90 मिनट आपको पढ़ना है, और आखिरी का 10 मिनट आपको जो भी आपने 80 मिनट में पढ़ाई किया उसको आप रिवाइज करो। मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रिविजन। बहुत बच्चों को ये कंप्लेन आता है कि पढ़ाई तो करते हैं सर लेकिन हम भूल जाते हैं। ध्यान में रखना, हमारा माइंड इतना शार्प है और इतना बड़ा ये स्टोरेज डिवाइस है, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो ये हम भूलते नहीं है। हमें क्या करना है, उसको पॉलिशिंग करना है, जो भी हमने पढ़ाई किया हमें पॉलिशिंग करना है। मेरा एक हमेशा एडवाइस होता है बच्चों को, अगर आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर एक शू पॉलिश करने वाला पर्सन को देखा होगा, वो जब क्रीम लगाता है और पॉलिश करता है उसके बाद भी वो एक कपड़ा मारता है तब जाके उसके ऊपर चमक आता है। तो मेरा आपसे सजेशन है बच्चों से, जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको आप रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज जब आप करते हो तो इट इज नथिंग बट आप आपका आंसर पे जो पढ़ाई थी उस पर शाइनिंग लाते हो। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा रिविजन का। पहला रिविजन होना चाहिए वो आखिरी का 10 मिनट में, 90 मिनट का स्लॉट में 80 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट का रिविजन। दूसरा रिविजन होना चाहिए डे एंड रिविजन, रात को सोते वक्त, सोने के पहले 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आप टोटल स्लॉट अलॉट करो रिविजन के लिए। अब क्या रिवाइज करोगे, जो भी आपने पूरा दिन में पढ़ाई किया उसको आप रिवाइज करो, इट इज लाइक पॉलिशिंग योर शू। थर्ड रिविजन, वीकेंड्स रिविजन रखो, जिनका पास अभी टाइम है, जिनका अभी 20 दिन 25 दिन एक महीना टाइम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। आप वीकेंड रिविजन में आप क्या कीजिए, जो भी आपका इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर आप ज्यादा फोकस करके आपको रिवाइज करना है। दूसरा मेरा आपसे सजेशन होगा, जो भी डिफिकल्टीज आपको फेस होता है उसका आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके रीच टू योर प्रोफेसर टीचर्स, आपके टीचर्स तक, प्रोफेसर्स तक, या आपके कोई फैमिली में कोई ऐसे सीनियर पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है उन तक आप पहुंचिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर और सेल्फ मोटिवेशन सीखिए, ऐसा चीज देखिए जिससे आप खुद मोटिवेट हो जाए। आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, आपके पेरेंट्स प्लस हमारे कुनार टीवी के तरफ से इस टाइप के शो से आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। ये मेरा टिप्स एडवाइस होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि एग्जाम के दिनों के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों को अक्सर आदत रहती है जंक फूड खाने की, बर्गर्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो कई बार उनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो पीरियड रहता है यानी कि वो स्टडी का जो पीरियड रहता है लास्ट, उसमें बच्चे को हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, तो उस समय उसको क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स देंगे। डेफिनेटली नरेश जी, जो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है रिलेटेड टू डाइट, एग्जामिनेशन का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आम वर्क में भी, रेगुलर डेज में भी हम लोग कॉमन मैन एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अगर बाहर का फूड खा लेते हैं या जंक फूड खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं पेट अपसेट होता है और हमारा ही हेल्थ, हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। अब ये तो एग्जामिनेशन टाइम है, इस वक्त बच्चों का ऑलरेडी एनर्जी लेवल डाउन जाता है बिकॉज उनको कंटिन्यूस वो पढ़ाई करते रहते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका डाइट, आपने साल भर बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, मान लो लास्ट मोमेंट पर अगर आपके डाइट की वजह से, गलत डाइट की वजह से मेरा कहना होगा आपका हेल्थ खराब होता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया या आप बीमार गिर जाते हो, तो आपने साल भर जो पढ़ाई किया आप लास्ट मोमेंट पे 100% नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये जैसे कि मैं बोलूंगा कि आपने ड्रेस तो पहन लिया लेकिन अगर उसको आप आयरन करके पहनोगे तो शायद आपके और अच्छा वो सूट होगा, तो वैसा ही आपने पढ़ाई तो किया लेकिन फूड पार्ट को इग्नोर नहीं करे। तो मेरा कुछ सजेशन ऐसा होगा कि जैसे नरेश जी आपने बोला कि जंक फूड अवॉइड कीजिए, आज खासकर हमने उल्लासनगर में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बाहर कॉलेज के बाहर या वड़ा पाव बोलो या सैंडविच ये वगैरह की चीजें बहुत खाते हैं वगैरह। मेरा सजेशन होगा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं बोलूंगा नहीं खाइए आपका इच्छा है, बट एग्जामिनेशन टाइम पे एटलीस्ट मेरा स्ट्रिक्टली सजेशन होगा कि आप जंक फूड अवॉइड करें, आउटसाइड फूड अवॉइड करें, आप ऐसा फूड इनटेक कीजिए जिससे आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़े, क्योंकि जितना आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा उतना ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकोगे। मैं डाइट वाइज नहीं जाऊंगा, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये जूस लेना चाहिए, ये नाश्ता होना चाहिए वगैरह का, आप
किसी अच्छे न्यूट्रिशन से भी कंसल्ट कर सकते हो, या फिर आपके पेरेंट्स को भी अच्छा नॉलेज है होगा, उनसे भी आप लीजिए, और आपको खुद को भी पता है क्या अच्छा खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपका ये जो कुछ बच्चे को जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम लिख के बाहर निकलते हैं वड़ा पाव खाते हैं, तो मेरा सजेशन होगा आप वो वड़ा पाव बाद में खाइए, एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद आप दो क्या तीन क्या पूरा सात वड़ा पाव एक साथ खा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनेशन टाइम में मेरा सजेशन होगा कि एक डिसेंट मील से आप आपका दिन स्टार्ट कीजिए, लाइट मील्स जिससे आपको एनर्जी मिले, एग्जाम्स को जाते हुए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपका एक गुड मील बिफोर द टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसा है कि अभी आपने जितनी पॉइंट्स बताई ये तो सब स्टडी के लिए आपने सारी चीज़ें बता दी, ये प्री एग्जाम हम इसको कह सकते हैं, एग्जाम का जिस दिन क्रूशल डे आता है, अब आ गया एग्जाम का डे जिस दिन बच्चे को एग्जाम के लिए जाना है, अब तक जो पहले वाला दौर था वो सब आपने अच्छी तरह से समझा लिया, अब जिस दिन बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है हमने अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, बहुत टेंस हो जाते हैं एग्जाम के दिन, पर्टिकुलरली वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स तैयार करने में कुछ भूल जाएंगे, पेन लेने को भूल जाएंगे, कभी कुछ पेंसिल लेने को भूल जाएंगे, फिर टाइम पे नहीं पहुंचना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या लास्ट मिनट पे ऐसे निकलते हैं पढ़ते पढ़ते हुए निकलेंगे, रिक्शा में बुक खोल के बैठ के पढ़ते हैं लास्ट मिनट पे, ट्रैफिक में अटक जाते हैं, टेंस हो जाते हैं बहुत, अरे मैं एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पहुंचूंगा, ये ट्रैफिक अटक गई, ये हो गया, यहां तक कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं हड़बड़ाहट में अपना नंबर देखते हैं, सीट नंबर देखते हैं, वहां पे जाके फिर से बुक को घुमाते रहते हैं, बहुत टेंस हो जाते हैं अननेसेसरली। तो एग्जामिनेशन डे पे पर्टिकुलर दैट इज दी डे जिसको हम कहते हैं, उस दिन पे उन बच्चों को आप क्या एडवाइस दोगे? वेल, ये जो सवाल है इट इज लाइक आप ओलंपिक्स मैदान में स्टेडियम में नहीं बैठे हो, आप मैदान में हो और आपके सामने एक टारगेट है 100 मीटर का गोल्ड मेडल, इट इज लाइक अभी आपका फाइनल एग्जाम डे है, आपको वो गोल्ड मेडल जीतना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ये जो लास्ट डेज ऑफ एग्जाम या एग्जामिनेशन का दिनों का बात होता है, मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले ये बताऊंगा, एडवाइस दूंगा कि बच्चों को जब आप कॉलेज के लिए बाहर निकलते हो, स्कूल के लिए बाहर निकलते हो आपके एग्जाम्स के लिए, ओके, बी वेल ड्रेस्ड पहन के बाहर निकलो एग्जाम्स के लिए। मैं जब बोलता हूँ कि वेल ड्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे जाके फैशन शो करने वाले हो, कैटवॉक करने वाले हो, मेरा ये बोलना है कि जब हम लोग एक अच्छा ड्रेस पहन के जब घर से बाहर निकलते हैं, मे बी वो ड्रेस का फिटिंग हो या मे बी कलर कॉम्बिनेशन या किसी ने गिफ्ट दिया वगैरह जो भी होगा, जब वो पर्टिकुलर ड्रेस पहन के जब हम घर से बाहर निकलते हैं एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। जस्ट लाइक आपका बर्थडे हो, घर पर आपके बर्थडे के दिन आप एक न्यू ड्रेस पहन के जब बाहर निकलते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज, एक मुस्कान होता है आपके फेस में। तो मेरा वो सजेशन होगा पहले कि एग्जाम्स को जाते वक्त आप वेल ड्रेस्ड होके जाइए, ताकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा पॉइंट, एग्जामिनेशन हॉल में आप ध्यान में रखिए 20 मिनट पहला पहुंचे। क्या होता है, आप जब घर से निकलते हो तो आप बाइक पे जा रहे हो या ऑटो में जा रहे हो या मे बी वॉक करके भी जा रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक हो जाता है जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो जाते हो, और थोड़ा भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस हमारे सामने आ जाता है ये लास्ट मोमेंट पे, ओके, तो हमें घबराहट सी होती है कि यार मुझे लेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उल्लासनगर से या शार्ट स्टेशन से लोकल ट्रेन कैच करते हो और आपको आपका एक्सप्रेस ट्रेन कैच करना है कल्याण से, और सडनली लोकल ट्रेन बीच में विठलवाड़ी या बीच में कहीं तो सिग्नल से रुक जाता है, तो हमें घबराहट होती है कि अगर और लेट हो गया तो मेरा ट्रेन छूट जाएगा। तो इसके लिए मेरा सजेशन है बच्चों को 20 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचिए। नरेश जी, जैसा आपने बताया कि बच्चे एग्जाम्स को जाते वक्त ऑटो में पढ़ते हैं, ओके, मैं तो यहाँ तक भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चे टू व्हीलर पे जा रहे हैं दो फ्रेंड के, सामने वाला स्टूडेंट बाइक चला रहा है और पीछे बैठ के उसका फ्रेंड उसके लिए आंसर पढ़ रहा है। तो ये जो मेरा सजेशन है बच्चों को, अवॉइड कीजिए, ओके, लास्ट मोमेंट आप जितना ऐसे टाइप के पढ़ने जाओगे तो इससे अननेसेसरी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे मेरे जी ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है। और एक सजेशन मैं दूंगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो प्लीज डू नॉट कैरी नोट्स। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब बच्चे स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स के लिए जब जाते हैं तो नोट्स अवॉइड करें। नहीं तो क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आप वो दो तीन बुक्स साथ में लेके जाते हो, चार पन्ना टर्न किया, आप कह सकते हो मुझे ये भी नहीं आ रहा है, तो आप रिवाइज करने जाते हो, फिर चार पन्ना टर्न किया, मुझे आपको लगता है ये भी मुझे डिफिकल्ट है, तो इसमें आप क्या करते हो, आप अपने आप को कंफ्यूजन में डालते हो।
तो ये लास्ट मोमेंट का 5-10 मिनट का स्टडी कोई ज्यादा फर्क नहीं करेगा, इसके लिए मेरा सजेशन है नोट्स अवॉइड करें। अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका दोस्त आपसे मिलता है तो प्लीज डिस्कशंस नहीं करें। यहाँ पे ये एक बड़ा पॉइंट होता है जिससे डिस्कशंस करके एक दूसरा से वो कभी कभी कंफ्यूजन स्टेज में आ जाते हैं, जब वो एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा जब आपको इनपुट्स आता है तो उससे आपका माइंड और कंफ्यूज हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट तो दूर की बात कंफ्यूजन्स बढ़ जाता है, तो लास्ट मोमेंट का ये डिस्कशंस अवॉइड करें। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको पेपर मिलता है आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर, मेरा सजेशन ये है कि आप देखिए आपका जो पेपर का टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का, सपोज 11 से 2 अगर आपका एग्जाम टाइम है, आपको ये मान के चलना है कि आपका पेपर 3 घंटे का नहीं है, ये सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट का है। मैं इसके लिए ये बोलता हूं कि आप ये टारगेट रखो 11 बजे से 2 तो आपका पेपर 1:40 को खत्म होना चाहिए। ये 20 मिनट का गैप जो मैं आपको कैच कर रहा हूं इसके लिए है कि जब आपको स्टार्टिंग में पेपर दिया जाता है कुछ समय चला जाता है, जब आप आंसर शीट पे आपका नाम वगैरह लिखते हो, रोल नंबर्स वगैरह जो भी आप एंट्री करते हो, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप स्कैनिंग करते हो पेपर को कि कौन सा क्वेश्चन कैसे इजी आया है टफ है, आप उसको सॉर्टिंग करके आप उसको टाइम अलॉटमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए ताकि आप टाइम मैनेज करें एग्जाम्स पेपर के वक्त, ताकि आपका लास्ट मोमेंट कुछ क्वेश्चन नहीं छूट जाए। क्योंकि बहुत बार हमने ये एक्सपीरियंस किया, बच्चे क्या करते हैं जो उनको अच्छा क्वेश्चंस जो अच्छा से आता है क्वेश्चंस पे ज्यादा वक्त बिताते हैं, और क्या होता है कि पता चलता है कि लास्ट का 1 आवर बचा है अभी भी उनका 50 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना बच गया है, फिर वो क्या करते हैं फास्ट लिखना चालू करते हैं, और फास्ट लिखने के प्रोसेस में वो ये भूल जाते हैं कि उनका हैंडराइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है उनका पेपर प्रेजेंटेशन में, फिर बच्चे क्या करते हैं स्क्रिबलिंग टाइप करना फास्ट लिखना चालू करते हैं और वो पूरा पेपर का मेस कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप 20 मिनट जो स्लॉट है स्टार्टिंग का 5 मिनट आप देखिए आपका टाइम जाता है आंसर पेपर पे आपका नाम लिखना बेस्ट क्वेश्चन सॉर्ट करना टाइम एलोकेट करना, उसके बाद कुछ ऐसे समय जाता है कि जो फिलअप्स टाइप गैप होते हैं जैसे कि आप पेपर सप्लीमेंट लेने के लिए उठते हो उसमें कुछ आपका समय चला जाता है, फिर सप्लीमेंट पे आप फिर से आपका नाम वगैरह लिखते हो, बहुत बार बच्चे ऐसे कंटिन्यू लिखते लिखते हाथ दुखना चालू होता तो आप स्ट्रेच करते हो ऐसे या ऐसे से जो रिएक्शन करता है, आप अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ये छोटा छोटा चीजें, कुछ बच्चों को पेपर लिखते वक्त हाथ में पसीना आता है तो बार बार वो कर्चिप से पसीना पूछते हैं वगैरह, अगर आप ये सब चीज कैलकुलेट करोगे तो आपका नहीं तो भी एक 10 मिनट चला जाता है। आखिरी का 10 मिनट आपको ये देखना है कि आपका समराइज करने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए, पेपर कंप्लीट होने के बाद आप प्रॉपरली टाई अप करते हो सीक्वेंस में आप लगाते हो, उसके बाद आप गो थ्रू करते हो, आपको तभी पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में आपने कुछ पॉइंट मिस किया था, तो अभी भी आपके पास वक्त है 5-8 मिनट का जहाँ पे आप वो पूरा पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे आपको लगा कि आपको कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ तो आपके पास वक्त है आप रेक्टिफाई कर सकते हो। सो मेरा बच्चों से ये सेशन रहेगा जो लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन के जो होता है एग्जामिनेशन टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपका पेपर कुछ कारण के वजह से टफ जाता है तो आप ये देखिए कि वो एक पेपर अगर आपका टफ गया उसका इफेक्ट नेक्स्ट पेपर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो पेपर टफ आपका हो गया आप उसको अभी कुछ नहीं कर सकते हो, आप ये सोच के चलो कि आप दूसरे पेपर में और अच्छा मार्क्स स्कोर करें, और अगर आपका लक अच्छा है तो आपको जो पेपर में टफ गया उसमें अगर आपको मार्क्स कम भी मिलता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप ये देखेंगे उसका कवरेज आप नेक्स्ट पेपर में करिए। सर जी ऐसा है जितनी भी आपने अभी टिप्स दी वो सारी स्टूडेंट से रिलेटेड टिप्स थी, होता ऐसा है कि जब भी एग्जामिनेशन के दिन नज़दीक आते हैं तो कॉलेजेस और स्कूल्स वेल इन एडवांस बंद हो जाते हैं, जितने टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं उनकी जो भूमिका रहती है उनका जो रोल रहता है वो कॉलेजेस तक और स्कूल तक सीमित हो जाता है, उसके बाद घर में पेरेंट्स का रोल शुरू हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो होता है पेरेंट्स को होता है, मानो बच्चों की एग्जाम नहीं है पेरेंट्स की एग्जाम है, इतने टेंशन में पेरेंट्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि बार बार उसको बोलते रहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बाहर इतनी बड़ी बढ़ गई है कि उनको लगता है कि अरे हमारा बच्चा अगर अच्छी तरह से स्कोर नहीं कर पाया तो ही विल स्टैंड नोवेयर,
इसके लिए उसको बार बार बोलते रहते हैं अच्छी तरह से पढ़ो, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बच्चा और डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब पेरेंट्स जो इतना उनके ऊपर दबाव डालते हैं, एक ये। दूसरा, पेपर करके आने के बाद कई पेरेंट्स उनसे पूछते हैं पेपर कैसा किया, ये कैसा किया, दबाते हैं उसको, दम देते हैं। तो उस समय पेरेंट्स की भूमिका क्या रहनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम? वेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक जितना भी क्वेश्चंस आपने मुझे पूछा उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का रोल। साल भर अगर आप देखेंगे तो बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं जहां पे उनका टीचर्स प्रोफेसर्स उनके साथ होते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तब टीचर्स पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन सामने नहीं है, सामने कौन है? पेरेंट्स। तो अभी पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उनको। साल भर तो वो तो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में अगर बच्चों को किसी का सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट और गाइडेंस हेल्प चाहिए वो है पेरेंट्स का। तो मेरा कुछ एडवाइस पेरेंट्स से होगा कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत लर्नेड है, एक्सपीरियंस लोग हैं, आप ऑलरेडी आपके बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी है थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस वाले भी आखिरी मोमेंट पे कहीं ना कहीं हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो मेरा दो तीन कुछ ऐसे एडवाइस होगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं डालें। मानता हूँ कॉम्पिटिशन का ज़माना है, लेकिन आपका बच्चों को आप ये रियलाइज कराओ जो कंपटीशन है वो दूसरों के साथ कॉम्पीट नहीं करे, खुद के साथ कॉम्पीट करे। आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कंपेयर करते हैं अपने रिलेटिव्स के बच्चों से या फिर नेबर्स के बच्चों से, ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। आप देखिए कि ऐसा कुछ भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुए घर में जिस वजह से बच्चे एग्जामिनेशन के टाइम पे डिस्टर्ब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बहुत बार ऐसे फैमिलीज में ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों के वजह से घर में कुछ क्वारल्स हो जाते हैं या फिर आपस में थोड़ा नोकझोंक होते हैं। इससे क्या होता है, कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर वो बच्चा का अगर इमोशनल अगर है, ज़्यादा इमोशनल है, तो वो उसका स्टडीज़ को साइड में रख के वो उसके बारे में, क्वारल्स के बारे में, इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच के दे गिव अप। सो मेरा और भी कुछ ऐसे एडवाइस होगा पेरेंट्स से कि आप बेस्ट पर्सन हो आपके बच्चों को जज करने का। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर पे आप नज़र रखिए जब आप वो एग्ज़ाम देखे पे घर पे आता है, तो देखिए अगर वो डिप्रेशन में है या वो एकदम हैप्पीली वो शेयर करता है उसका पेपर कैसा गया। अगर उस लगता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस टाइप है, आप उनको मोटिवेट कीजिए, उसको पैपटॉक दीजिए, उसको एहसास दिला दीजिए कि ये एंड नहीं है करियर का, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके। मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्कोरिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बच्चों का फ्यूचर एजुकेशन, फ्यूचर एडमिशंस काफ़ी हद तक का अच्छा परसेंटेज पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल पर्सन एक इंजीनियर MBA या CA बन के ही सबसे आगे बढ़ा है। मैं जब बाहर जाता हूँ, स्पेशली नॉर्थ इंडिया या कहीं पे भी जाके सेमिनार देता हूँ, मैं उल्लासनगर का एक हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर चाइना को अगर कोई टफ कंपटीशन दे सकता तो वो है हम उल्लासनगर के लोग, क्योंकि हम बिजनेस माइंडेड लोग हैं काफ़ी। ओके, तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि 80-90% स्कोर करके ही आप सक्सेसफुल बनोगे। आपको ये रियलाइज़ करना है कि एक बच्चा एवरेज मार्क्स लेके भी शायद वो आगे काफ़ी सक्सेसफुल कर सकता है। तो पेरेंट्स को ये गाइड एडवाइस होगा कि प्लीज़ एग्ज़ाम दिनों में उन पर प्रेशराइज मत कीजिए, उनको टॉन्टिंग नहीं कीजिए, मोटिवेट कीजिए उनको, ताकि वो एग्ज़ाम में नहीं अपने करियर में वो अच्छा करे और एक सक्सेसफुल इंसान बने। धन्यवाद मिस्टर कृष्णमूर्ति जी। तो ये थे सर जिन्होंने आपको गाइड किया। बच्चों को आखिरी में मैं फिर से यही कहूँगा, कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सर ने टिप्स बताए हैं इनको फॉलो कीजिए, आराम से ईज रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ के आगे जाइए, कैरियर बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस।